जो अग्निवीर योजना आई है देश में, इससे बड़ी, इससे इतनी घटिया योजना आज तक देश में नहीं आई थी। चार साल में लोग रिटायर होके आएंगे, न आप उनको उनको कोटा दे रहे हो, न कोई उनको सुविधा दे रहे हो, चार साल बाद क्या करेंगे। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 10 साल में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है जो देश में नहीं थी। मोदी जी क्या लेके आए इस देश में? अगर कांग्रेस नहीं रहती तो ये पास आपके पास माइक नहीं रहता, ये मोबाइल नहीं रहता और ये सब नहीं रहता। और ये 10 साल में क्या लेके आए देश में? आप एक चीज बता दीजिए, सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी के सिवाय इन्होंने देश में कुछ नहीं लेके आया है। अगर जो युवा कोई फार्म भर दिया और उसकी भर्ती अगर रुक गई और किसी कारण बस वो भर्ती निरस्त कर दी जाती है, तो क्या जो लड़का भर्ती में भरा था फार्म उसको उम्र में छूट देगी सरकार? कभी नहीं देगी। सबसे बड़ी समस्या, इतने लोग बहुत बोल रहे हैं, खाली समस्या है बेरोजगारी। जब रोटी थाली से गायब हो, दाल थाली से गायब हो, आलू महंगाई आसमान छूती हो, प्याज का अनार हो गई, कभी प्याज और आलू के दाम पर सवाल हुआ है, दाल पर सवाल हुआ है, छात्रों के रोजगार पर सवाल हुआ है, फीस बढ़ोतरी पर किया, आई बताइए ना, IIT के हब को तोड़ा जा रहा है, BSNL को जीरो किया जा रहा है, जियो को हीरो किया जा रहा है, इस देश की इस सार्वजनिक संस्था को बंद क्यों किया जा रहा है? कौन होते हैं ये सार्वजनिक संस्था? जिस देश में सुई नहीं बनती थी वो लुटेरा हो गया, जिसने यहाँ IIT एम्स तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को दिए, एटॉमिक सेंटर को बनाया गया, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग जो है इसी जगह से पढ़ के हुए, कई IIT सेंटर, कई एम्स खोले हैं, कई यूनिवर्सिटी दिए हैं, इस पर कब सवाल आप करेंगे?